अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई अभी सुबह सुबह उठा दिया गया हमें, हमारे बाप की कॉल आ गई थी कि भाई जल्दी आ जाओ, अरीशा का वीज़ा प्रोसेस में था। तो आज अरीशा का आईडी कार्ड बनने वाला है, अगर रेजिडेंस उन्होंने बताया 10 बजे तक पहुंचो यहाँ पे। ये तो आईज भी ऐसी रेड हो रही है, अभी नींद भी पूरी हो तो गई, जल्दी सो गया था। अभी बस अरीशा तैयार हो रही है, फिर अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पे आईडी कार्ड बनवाने के लिए। आज इनका भी वीज़ा लग गया, आईडी कार्ड बन जाएगा, इनका प्रोसेस भी आज ख़त्म, ये भी यहाँ की रेजिडेंस हो जाएंगी। तो बस तैयारी जारी है, अभी ये तैयार हो जाए, मैं तो तैयार होकर बैठा हूँ, ये भी तैयार हो जाए बस, फिर निकलेंगे, फिर वहाँ पर इनका प्रोसेस होगा आईडी कार्ड का। भाई वीज़े में प्रोसेस तो बहुत लंबा हुआ, मुझे पता ही नहीं चला इतना, यहाँ पे स्टैंप इतनी लगती हैं। पहले वहाँ से अप्रूव करवाओ, दादा खा सारे करवाओ, यहाँ स्टैंप लगवाओ, मेडिकल अप्रूव करवाओ, टूँ कम से कम 10 से 12 स्टैंप लगती है जब जाके अप्रूव होता है वीज़ा। तभी वो अप्रूवल हो गई है, स्टैंप लग गई है सारी। तो आज फाइनल जब भी हुआ जाएगा कि आईडी कार्ड बन जाएगा इनका, आईडी कार्ड का भी बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन बन जल्दी आता है, प्रोसेस लंबा है, 10 मिनट में हो जाता है। तो वहाँ जाके प्रोसेस दिखाऊंगा आपको क्या क्या प्रोसेस होता है। तो आईडी कार्ड, अच्छा हमारे मुल्क में पाकिस्तान में ऐसा होता है ना कि हम NIC बनवाने जाते हैं तो 40 दिन बाद मिलता है। यहाँ पे हैंड टू हैंड भाई, यहाँ पे तस्वीर खींची, यहाँ पे डेटा लिया, 10 मिनट वेट करें और हेड टू हेड अपना आईडी कार्ड लेके जाएं, हैंड टू हैंड मिलता है। पाकिस्तान में तो अर्जेंट की फीस भी पे करो तो फिर भी एक हफ्ते बाद आता है। सर्विस ऐसी होनी चाहिए, हमारे पाकिस्तान को भी ऐसी ज़रूरत है। तो भाई चले हम चलते हैं, रेडी हो गई हैं पीछे अरीशा भी, बस अब निकल लें। तो रास्ता थोड़ा लंबा है, तकरीबन आधा घंटा, 30 to 40 मिनट्स एयरपोर्ट के पास है, वहाँ जाना है हमें। एक और करीब है पर वहाँ पे रश बहुत होता है, तो हमने बोला वहाँ चलते हैं जहाँ सन्नाटा हो, जल्दी फारिग होते हैं। तो भाई अभी टैक्सी ढूंढ रहे हैं, टैक्सी नहीं मिल रही, तो अभी प्राइवेट टैक्सी देख रहे हैं, शायद प्राइवेट मिल जाए। यहाँ इंगेज जो होती है, यहाँ पे एक शेयरिंग टैक्सी भी चलती है, इंगेज भी चलती है, तो देखें कौन सी टैक्सी होती है। तो फिर टैक्सी में बैठ गए हैं, नींद भी आ रही है, पर आज ये काम हो जाए फिर सुकून से सोएंगे। एक हफ्ते से भागम दौड़ी लगी हुई थी बहुत, आज इनका बन जाएगा आईडी कार्ड। धूप भी हो रही है और ठंड भी हो रही है, ये देखें धूप भी कड़कती हुई और ठंड भी हो रही है। बस अभी ड्राइवर आ गया है हमारा टैक्सी का, फिर हम निकलेंगे। तो ये देखें मौसम कितना अच्छा हो रहा था, सामने पहाड़ का व्यू, क्योंकि ओमान में 2 दिन लगातार बारिश हुई जिसकी वजह से बहुत अच्छा वेदर हुआ हुआ था। स्काई का व्यू, माउंटेन व्यू, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, धूप भी निकली हुई थी, मज़ा आ रहा था सफ़र का, यानी ठंडी ठंडी हवा भी लग रही थी, थोड़ी धूप भी थी। देखें कितना साफ सुथरा पहाड़ लग रहे हैं, स्काई का व्यू देखें कितना अच्छा नज़र आ रहा है। ओमान की खूबसूरती है ये पहाड़, पहाड़ों के बीच में रिहाइश, पहाड़ों के बीच में जो रास्ते जा रहे हैं, आसमान देखें कितना क्लियर नज़र आ रहा है, और यहाँ की ग्रीनरी, ओमान की खूबसूरती पहाड़ों में, यहाँ की ग्रीनरी में, और रोड्स क्लियर हुए हुए थे बारिश की वजह से। जब बारिश होती है तो सब जगह की सफाई सुथराई खुद ही हो जाती है ऑटोमेटिक। तो देखें कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है, ये सामने कितना प्यारा व्यू है आसमान का जो हमने कैप्चर करा। ये स्टेडियम है यहाँ का, ये आपको लाइट दिख रही है, ये स्टेडियम है यहाँ का, ये देखें ये स्टेडियम है जहाँ पे मैच वगैरह होते हैं। व्यू चेक करें, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रहा था ये व्यू, ये देखें। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं अरीशा का, बस ये मामला क्लियर हो जाए वीज़े का, फिर बस सुकून से घर जाके नाश्ता वाश्ता करेंगे, नाश्ता भी नहीं करा हुआ था, भूख तो अभी भी बहुत लग रही है, मगर क्या करें पहले ये काम भी देखना था क्योंकि अरबाब वहाँ पहुँच चुके थे। तो भाई फाइनली हम पहुँच गए हैं आईडी कार्ड ऑफिस, सामने आईडी कार्ड ऑफिस है।
तो भाई फाइनली पहुंच गए यहाँ पे हम लोग, अब अंदर जाएंगे। अरबाब हमारे पहले तो पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, उनकी कॉल भी आ चुकी है, मैसेज भी आ रहा है, कहाँ पर हम लोग आ रही है। अब बस अंदर जाके आईडी कार्ड प्रोसेस कराएंगे, फिर वहाँ से बगैर नाश्ता करें आ गए। और पेट जो है ना भूख के मारे पागल हो रहा है, बोला कुछ दे दो मुझे, कुछ दे दो। तो भाई यहाँ पर हो गया हमारे साथ प्रैंक, हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ का सिस्टम ही बैंड हुआ है। अभी अरबाब गए बात करने के लिए, देखो क्या होता है। पहले पता चलो बंदा आता ही वेटिंग हो रही है, अरबाब आ जाए बात करके कि अरबाब जो होते हैं उनकी बातचीत होती है अंदर, तो देखो क्या होता है। अगर नहीं हुआ तो फिर जाएंगे हम संडे की कहानी में, फिर आना पड़ेगा संडे को। आज तो क्लोज फ्राइडे ऑफ, फिर संडे को आएंगे। वेटिंग हो रहा है नंबर आने का, मन नहीं आया। अरे भाई सुबह क्या आया ना, नंबर ही नहीं आया इनका। मैं तो 10 मिनट में फारिग हो गया था इनका, बताकर में इतना टाइम लग रहा है ना, इतनी टेंशन हो गई है। अभी इतना सब कुछ करवा लिया, फिर भी कुछ डॉक्यूमेंट रह गए थे इनके स्टैम करवाने के लिए, वो स्टैम करवाए अभी। अभी इनके नंबर के लिए बैठे हैं, कुछ खाया भी नहीं, भूख लग रही है। अल्लाह हबीबी शुक्रन, कार्ड बन गया इनके, मुबारकबाद दे दें इनको, इनका कार्ड बन गया। भैया सुबह 9 बजे से ये टाइम हो गया, या अल्लाह खैर। अभी पेट की यह हालत हो रही है ना कि बस अभी कुछ मिले और टूट गया उस पर। ये इनका बन गया आईडी कार्ड, ये अब यहाँ की हो गई रेजिडेंट। अब इनके शशके जो है ना, वो शशके ख़त्म नहीं होंगे इनके। अच्छा आईडी कार्ड छुपा, नंबर नहीं दिखाता आईडी कार्ड का। तो भाई अब जा रहे हैं घर की तरफ, फिर घर जाके कुछ खाएंगे पियेंगे और बस अब निकल रहे बाहर की तरफ। सुबह बगैर नाश्ते के खाली पेट बिठा के रखा हुआ था, पहले तो सिस्टम डाउन था, फिर टोकन मिला, फिर वेट करते रहे टोकन का, अब जाके फारिग हुए हैं। तो अब जा रहे हैं घर की तरफ। तो भाई फाइनली पहुंच गए घर और अब लग रही है भूख, खाएंगे खाना। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, नाश्ता भी नहीं करा हुआ, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, पेट से जो है ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो भाई इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए सारी डिटेल बताइए, मैंने हमारा पहले प्रोसेस वाला वीज़ा जो था वो भी मैंने डाला हुआ था, आज आईडी कार्ड बना था वो भी मैंने पूरा डाला। तो व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाजमी करा करें। अल्लाह हाफिज़।